नमस्कार दोस्तों, बी आर शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट लेके आए हैं जो कि आपको मिलता है द्वारका सेक्टर 19 लोकेशन में। एंड इस फ्लैट के अंदर आपको बहुत बहुत अच्छी वाइब आने वाली है। कुछ अलग चीज़ें हैं इस फ्लैट के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी मिल जाता है और साथ ही साथ बालकनीज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी फेसिंग की ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको किसी तरह का काम भी नहीं करवाना पड़ेगा, सारा का सारा काम ऑलरेडी अप एंड रनिंग कंप्लीट कंडीशन में मिलता है। यहाँ पे आपको लेआउट बताता हूँ और लेआउट के साथ मैं सारी चीज़ें आपको साथ ही साथ बताता रहूँगा। प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन लोकेशन पे, फ्यूचर प्रूफ लोकेशन पे एक प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, देन दिस इज़ द प्रॉपर्टी जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। चलिए मैं आपको पूरा वॉक थ्रू दिखाता हूँ और साथ ही साथ चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। आइए, दोस्तों ये है हमारा सबसे पहले एंट्रेंस प्रॉपर्टी का। आगे की तरफ आप ये जो ओपन एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ योर कॉमन एरिया एंड यू कैन यूज़ दिस एरिया अगर आप कुछ बहुत सामान रखना चाहते हैं अपने फ्लैट के बाहर तो। और बाकी यहाँ पे जो आपको स्टेयरकेस मिलता है, दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। फर्स्ट फ्लोर की ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहाँ पे सेफ्टी डोर आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाता है, लगा लगाया है। अब इस फ्लैट के अंदर आने के बाद में वाइब आपको बहुत अच्छी आ रही होगी। एक चीज़ आप इंश्योर कर लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए, आप ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं अभी, इसके अंदर जो सारा का सारा सामान लगा हुआ है, ये बस एक आइडिया लगा लीजिए कि हाँ आप अपना सामान इस तरह से सेट कर सकते हैं। ये सामान आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी और एसी की जो फिटिंग्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह की मिलती हैं। बिल्कुल ये वाला शायद आपने अभी तक द्वारका में ना देखा हो। अगर नहीं देखा है तो यस, दिस इज़ दी सेंट्रलाइज्ड एसी। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का स्प्लिट एसी या फिर कोई और यूनिट नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अनुसार एसी लगवा सकते हैं। ये आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन में दे रहा था। यहाँ से आपको मैं लेआउट बताता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ पे आप खड़े हैं, दिस इज़ योर लिविंग एरिया, जहाँ पे आप अपना बहुत अच्छा सोफ़ा सेट लगा के एक बढ़िया सेटिंग बना सकते हैं सिटिंग के लिए। उसके बाद इधर की तरफ आपको मिल जाता है पूजा रूम या फिर सर्वेंट रूम, जैसा भी आप उसे यूज़ करना चाहें। राइट हैंड साइड में आपको मिलता है एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, और यहाँ पे मिलती है आपको एक बहुत अच्छी स्क्वायर शेप की बालकनी जो कि हमारे लिविंग एरिया और हमारे उस बेडरूम से कनेक्टेड है। उसके बाद हल्का सा अगर आप कैमरा को टर्न करते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है योर किचन। यहाँ पे आपको बेडरूम नंबर 2 मिलता है, बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 4। दिस इज़ द कम्प्लीट लेआउट। फर्स्टली मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सबसे छोटे सबसे इम्पॉर्टेंट रूम में, विच इज़ योर पूजा रूम। ये आपका पूजा रूम है, काफ़ी बढ़िया रूम है यहाँ पे। और यहाँ हमें मिलता है एक वॉशरूम, तो यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। तो ये हमारा वॉशरूम है और यहीं से हमें एक बालकनी भी अटैच मिलती है। दिस इज़ द बालकनी। सो जो आपने देखा हमारा जो सर्वेंट रूम है, इसके अंदर आपको बालकनी भी मिल जाती है, साथ ही साथ अपना अपना वॉशिंग एरिया अगर यहाँ पे आप बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ से आएंगे अंदर और हम कर देते हैं इस गेट को क्लोज। इस गेट को क्लोज करने के बाद में मैं दोस्तों आपको लेके चलता हूँ आपके बेडरूम नंबर 1 में। बेडरूम नंबर 1, ये है आपका बेडरूम 1, जिससे को इन्होंने यहाँ पे रहने वाले लोगों ने क्या किया है, फिलहाल यहाँ पे बना दिया अपना टीवी लगा के बैठ के देखने का सेटअप। अगर आप इसको प्रॉपर बेडरूम की तरह यूज़ करते तो बेडरूम भी बनाया जा सकता था, और अगर आप इसको इसी तरह से यूज़ करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एंटरटेनमेंट एरिया बनाना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद लाइट आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया आ रही है, इसके अंदर लाइट्स बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ इस डोर को एक्सेस करके आप अपनी बालकनी में जा सकते हैं। मैं सारे डोर्स ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे आपका वार्डरोब मिल जाएगा आपको, इस बड़े से साइज़ के अंदर आपको किचन वॉशरूम मिल जाएगा। अब इस वॉशरूम के अंदर देखिए आपको कोई काम नहीं कराना, इवन पूरे फ्लैट के अंदर आपको कोई काम नहीं कराना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पेस, बहुत ही परफेक्ट काम, अच्छी फेसिंग का फ्लैट। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा,
जो इम्पॉर्टेंट है वो गौर करना, क्या इम्पॉर्टेंट है, जब आप यहाँ पे बालकनी पे खड़े होते हैं तो बालकनी से आपको कैसा व्यू मिलता है, एक वही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे रहने वालों से हमने पूछा हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें बताया कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, किसी तरह की उन्हें खास दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस यहाँ पे जो जाती है आपकी समवेयर अराउंड 5000 रुपये के आसपास मेंटेनेंस जाती है। सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अभी काम हो रहा है, तो ये सारा काम ये है सोसाइटी जो है द्वारका की, हमने आपको जैसा कि बताया है कई बार, सोसाइटी अभी रिपेयर हो रही है द्वारका की, इन सभी के अंदर काम चल रहा है। तो यही है आपकी वो बालकनी जो आपको मिलती है आपके लिविंग एरिया से अटैच, साथ ही साथ आपके बेडरूम से अटैच। इसके बाद बचे हुए बेडरूम्स वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आप इसे बंद करते हैं और अपना डाइनिंग एरिया आप इधर की ओर प्लान कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे आपके बेडरूम नंबर 2 में, ये आपका बेडरूम नंबर 2 है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको, साथ ही साथ काफ़ी अच्छी बालकनीज भी मिल जाती हैं। अगर आप बालकनीज देखते हैं आपको इस तरह की बालकनी मिल जाएगी। इतना ही दिखाना इम्पॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ से आप देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सामने तो पार्किंग है तो उसमें क्या ही मैं आपको दिखाऊं, देख लीजिए। और यहाँ से आपको मिलता है एक अटैच वॉशरूम। दोस्तों कई आपने वॉशरूम्स देखे होंगे बट आपने ऐसा कोई वॉशरूम अभी तक मुझे नहीं लगता देखा होगा जहाँ पे आपको यहाँ से वहाँ तक चल के जाना पड़े, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इस वॉशरूम में। और ये मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूँ, इतने बड़े साइज़ का आपको वॉशरूम मिल रहा है। जी हाँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ ऑल योर वॉशरूम, प्लस सारा का सारा काम इसमें आपको करा कराया मिलता है। इतने बड़े साइज़ के वॉशरूम आपको जनरली बिल्डर फ्लोर्स में भी नहीं मिलते हैं। यहाँ से चलते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 4 में और वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का क्लोजर करते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है आपकी किचन, किचन भी देख लीजिए एक बार, ये आम किचन नहीं है दोस्तों, जनरली आपको इसके आधे साइज़ की किचन मिलती है और उसे ही किचन मानना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज इज़ टू गुड, काम पूरा कंप्लीट है, चिमनी एंड ऑल सब कुछ लगा लगाया मिलता है, स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छा है, साथ ही साथ आपको फ्रिज एंड ऑल रखने के लिए भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। एंड दिस इज़ योर कमिंग बेडरूम नंबर 3। ये बेडरूम नंबर 3 जो है आपका, इसमें आपको सेम वॉशरूम जो है अटैच मिलता है। दिस कैन बी यूज्ड As a bedroom for your childs, आपके बच्चों के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट इस वाले बेडरूम में भी आपको बहुत बढ़िया बालकनी मिलती है जहाँ पे आपको इस तरह की साफ सुथरी हवा और साफ सुथरी पानी मिलती है। मैं आपको जस्ट एक वॉक थ्रू के तौर पे दिखा देता हूँ, नज़र मार लीजिए, पूरा सील्ड है, दिखा देते हैं आपको। टॉप के आइए दोस्तों, ये वाली फेसिंग का फ्लैट मिलता है आपको, इधर से आपको इस तरह का हवा और व्यू मिलता है। यहाँ से करते हैं हम इस गेट को बंद और इसके बाद चलते हैं हमारे फाइनली 4th बेडरूम में और हमारी प्रॉपर्टी का क्लोजर करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो फ्लोरिंग मिलती है, फ्लोर पे आपको मिलते हैं इसके अंदर डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स जो कि कॉन्फ़िगरेशन है उनकी 2x4, तो 2x4 के ही टाइल आपको पूरी प्रॉपर्टी में मिलेंगे, साथ ही साथ कहीं पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराना पड़ा। छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो टचअप एंड रिपेयर होता है वो तो आपको पता ही है, रीसेल प्रॉपर्टीज़ में होता ही होता है, तो वो आप अपने अनुसार करा सकते हैं। ये है हमारा बेडरूम नंबर 4 और बेडरूम नंबर 4 के अंदर भी आपको स्पेस जो है, स्पेस आपने ऐसा अभी मुझे नहीं लगता अभी तक एक्सपीरियंस किया होगा, हमारे चैनल पे आपने कई वीडियोस देखे होंगे बट इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने ज़्यादा स्पेस वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने काफ़ी कम देखी होंगी। तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ्लैट आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसा फ्लैट नहीं मिल सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगेन यू हैव अटैच वॉशरूम जो कि आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ में। इस तरह के जो फ्लैट्स होते हैं जनरली लोग उन्हें क्या करते हैं, 4 को 5 बना देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि स्पेस कम हो जाता है। यहाँ से भी हमें एक अटैच बालकनी मिलती है। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रॉपर्टी जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे इस तरह का फ्लैट आपको नहीं मिल सकता है, इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ। जनरली बहुत लिमिटेड फ्लैट्स आते हैं इस तरह के, तो अगर आप एक पैसा वसूल प्रॉपर्टी चाहते हैं,
प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएं। अभी फ़िलहाल इस प्रॉपर्टी के रेट और बढ़ जाएंगे क्योंकि यहीं पे द्वारका सेक्टर 19 के अंदर मैक्स हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं तो भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ये फ्लैट। जब तक आप यहाँ पे रहते हैं रहिए, जब आप नहीं रहते तो आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं। सो दोनों ही सूरतों में काफ़ी अच्छी लोकेशन और काफ़ी बढ़िया आपको अप्रिसिएशन दे के जा सकती है ये प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो आप इसे ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। स्टिल अगर कुछ ना समझ में आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे इस प्रॉपर्टी कोड को ड्रॉप कर दीजिए और जानकारी मांग लीजिए, हम कोशिश करेंगे जितनी आपको दे पाएँ दे दें। ये थी हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ऐसी और कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे पास दूसरा चैनल है BRS रेंटल, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।